ये विश्लेषण इसलिए भी जरूरी है कि कई बार राष्ट्रवादी भी उधर जाते हैं। अच्छा, कतर की हिम्मत हो गई, मोदी फेल हो गए, तो समझना पड़ेगा कि जो उसके अभी जो हमारे विदेश मंत्री हैं और हमारे जो प्रधानमंत्री के जो निजी जो सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उनकी पैठ वहां कैसे है। और जो भारत कनाडा को ऐसी औकात बताया कि घुटना रगड़ रहा है, वो भारत कतर का क्या हाल करेगा। लेकिन सर, आपने हल्का सा टच करके छोड़ दिया, मुझे याद आता है इस बात को समझना जरूरी है कि मां सरस्वती की नग्न तस्वीर बनाने वाला वो एम एफ हुसैन भाग करके कतर गया था। कतर ही क्यों गया था, ये महत्वपूर्ण है। और उस समय में मुझे याद है खैराती पांडे ने इसकी चापलूसी में इसका खूब इंटरव्यू किया था, ऑनलाइन भी इंटरव्यू इसका किया था उसने, और महिमा मंडन किया था कि एम एफ हुसैन जैसे काबिल कलाकार को विदेश भारत छोड़ना पड़ गया, ये भारत के लिए शर्म की बात है। सोचिए एम एफ हुसैन किस देश में गया, कट्टर इस्लामिक देश में जहां पर अभिव्यक्ति की आजादी के कोई मायने नहीं, उस अल जजीरा के वाले देश में। और अभी हाल में अल जजीरा के लिए में इंटरव्यू पांडे का हुआ है, तो समझ जाइए कि रवीश पांडे भारत विरोधी एजेंडे कैसे चलाता है। क्या आपको नहीं लगता कि अजीत डोभाल या दूसरों की इस पे नजर होगी, ये मैग्सेसे अवार्ड पाकर के भारत के खिलाफ एजेंट का रूप में काम करा। मुझे तो लगता है कि आईएसआई का एजेंट हो गए, चीन का एजेंट कम है। नहीं, मनीष जी आपने अच्छी याद दिला दी, अच्छी याद दिला दी बड़े मौके पे, कि इसका 1.5 घंटे का इंटरव्यू अल जजीरा ने इसको हीरो बना के भारत के विरोध में किया था। और मेरे ख्याल से कतर की यात्रा इसीलिए इसने की थी, ये हो सकता है फांसी वाला आइडिया इसी का हो कि तुम ये करो फिर हम वहां जाके नंगनाच शुरू करेंगे और शुरू करा देंगे। तो ये भी एक जांच, एक लेकिन इसको पूरा तो बैग अरेस्ट खुल करके जाए। सर लठ बजाना चाहिए, पुलिस यदि चाहे कि तो लठ बजा करके सब हाँ कुछ उगल देगा। ये तो मरा हुआ आदमी है, ये तो बिल्कुल 2 लाठी पड़ेगा तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। कतर क्यों गया था, तुरंत इसे अरेस्ट करे, पता करे कि कतर ये क्यों गया था, अल जजीरा पर इसका इंटरव्यू क्यों गया, क्यों हुआ था। फिर जो एम एफ हुसैन की महिमा मंडन ये क्यों करता था, कतर की महिमा मंडन, ये तमाम सरकमस्टांशियल एविडेंस बताते हैं कि पांडे भारत विरोधी एजेंडा का हिस्सा है। ये सामान्य से पत्रकार, भिखारी पत्रकार नहीं है जो कहता है मेरे पेट पे लात पड़ गई है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी है। और मैग्सेसे अवार्ड इसको इसीलिए मिला हुआ है।